हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बायो इंडिकेटर्स के बारे में कि बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बायो इंडिकेटर्स वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जिनसे हमें उनके इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में आइडिया हो जाता है। वो जिस भी इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो वो इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है वो हमें आइडिया हो जाता है बायो इंडिकेटर्स से। बायो इंडिकेटर्स प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो ये जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं उस इकोसिस्टम का के हेल्थ का इफेक्ट इन पर, चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी पे हो, चाहे इनकी फिजियोलॉजी पे हो, चाहे इनके बिहेवियर पे हो, और कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है, तो इन पर इफेक्ट पड़ता है। तो इनके इन पर जो इफेक्ट पड़ता है उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, यहाँ का इकोसिस्टम है वो कैसा है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है, अनपोल्यूटेड है या पोल्यूटेड है, या उसमें कोई टॉक्सिन आ गया है, या वहाँ के एयर में कोई टॉक्सिन आ गया है, या वहाँ के सॉयल में कोई टॉक्सिन आ गया है, या वाटर की बात करें तो वाटर में कोई टॉक्सिन आ गया है। ये सारा कुछ हमें आइडिया हो जाता है बायो इंडिकेटर्स से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें लाइकेन का, तो लाइकेन ये बहुत सेंसिटिव होते हैं एयर में टॉक्सिन को लेकर के। एयर में ज़रा सा भी टॉक्सिन आता है तो उसको लेकर के लाइकेन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो लाइकेन अगर किसी भी एरिया में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो एयर है वो पॉल्यूटेड नहीं है, वहाँ का एयर क्लीन है, वहाँ का एयर फ्रेश है। लाइकेन ऐसे ही एरिया में ग्रो करते हैं। तो इसी किसी भी एरिया में अगर आप देखें बहुत बहुत लाइकेन ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, एयर में किसी तरह के कोई टॉक्सिन नहीं पाए जाते। और अगर मान लिया जाए किसी एरिया में लाइकेन खूब पाए जा रहे हैं और फिर उसके बाद लाइकेन धीरे 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 डेथ होने लगे, उनकी वो ख़त्म होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में अब पॉल्यूशन आ गया है, उस एरिया में मतलब उसके एयर में पॉल्यूशन आ गया है। क्योंकि लाइकेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लाइकेन एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो लाइकेन उस जगह ग्रो करते हैं जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ना हो। तो अगर लाइकेन कहीं ग्रो कर रहे हैं और फिर लाइकेन वहाँ पर ख़त्म होने लगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के एयर में अब पॉल्यूशन आने लगा है। तो ये एक एग्जाम्पल था लाइकेन का। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनके बिहेवियर से हमें वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में, वहाँ के इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में हमें आइडिया हो जाता है कि वहाँ के इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है, पॉल्यूटेड है या अनपोल्यूटेड है, वहाँ की एयर फ्रेश है या वहाँ के एयर में पॉल्यूशन है, या वाटर की बात करें तो वाटर फ्रेश है या वहाँ के वाटर में पॉल्यूशन है। तो इसी इन्हीं तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो कि इंडिकेट करते हैं उस इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में, हमें बताते हैं, हमारे जानकारी देते हैं, हमें हेल्प करते हैं उसके इकोसिस्टम के बारे में जानने में, उसके इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में जानने में, अपने बिहेवियर से या अपने फिजियोलॉजिकल चेंज से या मॉर्फोलॉजिकल चेंज से। तो इन्हीं को कहते हैं बायो इंडिकेटर्स। तो उम्मीद करते हैं आप बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।